गुड आफ्टरनून। आज तारीख 4 मार्च 2023 और समय है दोपहर के 1:08। और मैं आया हूँ अरुणाचल के भालुकपोंग रेलवे स्टेशन पर। यह आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। और अगर इस स्टेशन के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1980 में मीटर गेज शुरू हुई थी और 2000 तक लगभग 20 साल मीटर गेज जो ट्रेन थी वो अपनी सेवा देती रही। और उसके बाद में देखते हैं कि 2016 में गेज कन्वर्शन के बाद यहाँ पर बड़ी लाइन आ गई। वैसे अभी फ़िलहाल को ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर है नहीं, केवल एक ट्रेन आती है डेकार गांव से हफ्ते में 5 दिन, थर्सडे और संडे को नहीं है, बाकी 5 दिन है। और मैं भी इसी ट्रेन से आया हूँ अभी रंगापाड़ा नॉर्थ जंक्शन से, और 2:20 को ये ट्रेन वापस रिटर्न हो जाएगी। तो मेरा मन था कि देखा जाए, ये हिस्ट्री के अनुसार देखा जाए तो अरुणाचल का पहला रेलवे स्टेशन है ये, फर्स्ट रेलवे स्टेशन ये कह सकते हैं कि अरुणाचल में जो ट्रेन की एंट्री हुई है, सबसे पहली बार अगर कहीं ट्रेन आई थी वो ये स्टेशन था भालुकपोंग। नाहरलगुन बहुत बाद में आई ट्रेन, तो फर्स्ट यहीं पर आई है। तो इस हिसाब से देखा जाए, इतिहास की दृष्टि से, तो ये पहला स्टेशन है अरुणाचल प्रदेश का। चलो आगे देखते हैं स्टेशन में और क्या क्या है। ये देखिए, ये फेयर टेबल है, टाइम टेबल डेली लिखा है, लेकिन डेली नहीं, हफ्ते में 5 ही दिन चलती है ट्रेन। ये टिकट काउंटर, और ये ट्रेन खड़ी है, 2:20 को वापस रिटर्न होगी। और आइए देखते हैं स्टेशन में। तो जैसे कि स्टेशन के बारे में मैं बात कर रहा था, कुल 3 प्लेटफार्म हैं यहाँ पर, प्लेटफार्म 3 हैं। ये देखिए 1 नंबर, ये 2 और 3। तो जिस तरह से 3 प्लेटफार्म बना रखे हैं, तो मेरा मानना है कि कम से कम 3-4 ट्रेनें भी होनी चाहिए यहाँ से। जैसे एक ट्रेन इनको चाहिए कि यहाँ से गुवाहाटी के लिए दें, और एक ट्रेन नाहरलगुन के लिए भी होनी चाहिए, और डिब्रूगढ़ वगैरह के लिए ट्रेन होनी चाहिए, क्योंकि स्टेशन को बन के 7 साल हो गए हैं। और देख रहे हैं कि 7 साल में कुछ भी यहाँ अंतर नहीं आया। एक ही ट्रेन चलती है डेकार गाँव से, वो भी हफ्ते में 5 दिन, डेली भी नहीं है। तो जिस तरह से स्टेशन को इन्होंने डेवलप किया है, काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं उनको सुविधा हो सकती है अगर गुवाहाटी से डायरेक्ट ट्रेन दे दी जाए। क्योंकि आपने तवांग का नाम सुना होगा, जो कि एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको चाहिए कि गुवाहाटी से एक डायरेक्ट ट्रेन दे, ताकि टूरिस्ट जो है इतना जो लंबा सफ़र है वो बाय रोड आने से बच सके। काफ़ी हद तक उनका जो है डिस्टेंस कम हो जाएगा बाय रोड का, अगर गुवाहाटी से ये लोग यहाँ डायरेक्ट ट्रेन देते हैं। अब यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है, सामने पहाड़ हैं और साइड में आप देखिए थोड़ा मैदानी इलाका है, इस तरफ भी हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं। तो अपने आप में एक ये पूरा स्टेशन है और बहुत ही अच्छा स्टेशन है। और खैर, बाकी की बातें मैं बाद में करूँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा खैर इसके बारे में बताने के लिए है नहीं स्टेशन के। हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। भालुकपोंग में यहाँ से कुछ लगभग मेरे ख्याल से 6 या 7 किलोमीटर दूर तिप्पी ऑर्किड है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ऑर्किड माना जाता है, तिप्पी ऑर्किड। तो मैं सजेस्ट करूँगा जब कभी आप यहाँ आएँ तो तिप्पी ऑर्किड ज़रूर विज़िट कीजिए। जाना मुझे भी था, लेकिन कुछ समय की कमी के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसी ट्रेन से मुझे वापस जाना है। तो खैर, अगली बार जब मैं कभी आऊँ तो कोशिश रहेगी कि मैं तिप्पी ऑर्किड ज़रूर जाऊँ, विज़िट करके आऊँ, क्योंकि यहाँ आने का मेरा मकसद यही था कि भारत में जो भी रेलवे स्टेशन एकदम लास्ट होते हैं उन पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, और कुछ एक ऐसे रेलवे स्टेशन जो बंद हो चुके हैं उन पर भी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ। बाकी की बातें बाद में। थैंक यू।